धामी को ताज है, चुनौतियों का पहाड़ है। चुनौतियां बेशुमार हैं, एक के बाद एक चुनौती मुबाहे धामी के सामने खड़ी। मुख्यमंत्री का ताज तो मिल गया, लेकिन वो ताज काटो भरा पहले भी था, आज भी है, और कल उसे खुद वो कांटे धामी जी को हटाने होंगे। राह में कई कांटे हैं और उन्हीं कांटों का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। कल भले ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आज भी मुंबाहे खड़ी है, पहाड़ सी चुनौती है पहाड़ के मुख्यमंत्री के सामने। उन्हीं चुनौतियों का जिक्र करते हैं और सबसे पहली चुनौती की बात करते हैं। अपने मेहमानों की तरफ रुक करें, लेकिन वो चुनौतियां जो सीएम साहब के सामने खड़ी हैं, वो चुनौतियां एक एक करके अब हम आपके सामने। चुनौती सबसे पहले अर्थव्यवस्था की है। राज्य की अर्थव्यवस्था संतोषजनक स्थिति में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड पर 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार को बाजार से यह कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए फिर से राज्य को नया कर्ज लेना पड़ता है। आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था डगमगाती अर्थव्यवस्था, 65,000 करोड़ का कर्ज। दूसरी चुनौती अब आपके सामने होगी पलायन की। पलायन राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या। साल 2011 तक राज्य में कुल मिलाकर 968 गांव खाली थे और 2011 के बाद इसमें 734 गांव और जुड़ चुके हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि यह पलायन की समस्या कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी चुनौती है, और यह पलायन का दंश उत्तराखंड झेल रहा है। अब एक और दंश की बात करता हूं जो सीएम साहब के सामने, बात रोजगार की। रोजगार की चुनौती उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है। उत्तराखंड सालों से बेरोजगारी के दंश से जूझ रहा है। रोजगार का जिक्र करूं जो मुहिम म्यूजुअल इंडिया चला रहा है, उस मुहिम को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रोजगार दफ्तरों में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड है। 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार। उपनल में भी करीब 1 लाख नाम दर्ज हो चुके हैं और पिछले 5 सालों में सरकार 11,000 नौकरियां सिर्फ दे पाई है। 11,000 दावे कुछ भी कर लीजिए, आज तक विभाग अनुसार नंबर उपलब्ध नहीं हुए। किसको नौकरी मिली, नाम नहीं मिला। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उत्तराखंड की एक और सबसे बड़ी चुनौती। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती क्यों है? क्योंकि 20,000 से ज्यादा बेसिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है। माध्यमिक स्तर पर 6,000 से ज्यादा पद खाली पड़े, 4,500 यानी कि 4,500 अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर से सिर्फ काम चल रहा है। यह चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। यह शिक्षा की चुनौती थी जिसका जिक्र मैंने किया। अब स्वास्थ्य की चुनौती, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो चुका है पीसीआर साहब, अब स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में हालात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर है। 515 डॉक्टरों की कमी, प्राइवेट अस्पतालों के सहारे जनता अपनी जिंदगी गुजार रही है। 56 ऐसे अस्पताल है जहां पर जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है। जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, पहाड़ पर क्या स्थिति होगी। एक और स्थिति परिवहन की। राज्य में परिवहन सेवाओं की हालात बद से बदतर है। 5 सालों में रोडवेज की 200 से ज्यादा बसें घट चुकी हैं। कोटे में से, जो कोटा होता है उस कोटे में से 200 से ज्यादा बसें घट चुकी हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बस सेवा ना होना
आप सोच सकते हैं, कल्पना करके देखिए, एक मैक्स गाड़ी होती है और फेविकोल की एड चलती है। वो फेविकोल की एड जिसमें दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी सब उस मैक्स पर सवार होते हैं। वही एक साधन है, उसी पर निर्भर है लोग। और फिर जब हादसा होता है तो कह दिया जाता है कि बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि यहां पर हादसा हुआ। खैर, अब पेयजल की बात करते हैं, परिवहन हुआ, अब पेयजल का जिक्र। राज्य में 6,00,000 घरों में अब तक पेयजल कनेक्शन नहीं पहुंच पाया। पर्वतीय क्षेत्रों में पानी का संकट है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। घोषणा पत्र, हमारे यहां तमाम घोषणावीर हैं जिन्होंने घोषणाएं की, अमल कितनी हुई उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने घोषणा पर अमल करना एक चुनौती है। कौन सी घोषणा? कॉमन सिविल कोड, याद होगा आपको, लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीपीएल महिलाओं को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा, कामगारों और गरीब महिलाओं को पेंशन देने का वादा, किसानों को केंद्र के समान सम्मान निधि देने का वादा, ये तमाम ऐसे वादे हैं। और अब घोषणा पत्र के बाद बारी आती है कर्मचारियों की। अभी मैं मेहमानों की तरफ रुख करूंगा, लेकिन ये चुनौतियां जो जो हैं वो सीएम साहब तक पहुंचनी चाहिए कि आपने ये वादा किया था, अब आपको ये पूरा करना है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी कैसे करेंगे सीएम साहब देखना वाकई में, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ यहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है, लागू करने की तैयारी। स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो इसलिए सीएम साहब को ताज है, धामी साहब को लेकिन चुनौतियों का पहाड़ है।